बस्तर रेंज में लगातार चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में कोंडागांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोंडागांव सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में एसआईबी कोंडागांव, जिला पुलिस बल कोंडागांव, एसटीएफ तथा आईटीबीपी 41वीं वाहिनी के संयुक्त सतत नक्सल गश्त सर्चिंग अभियान ने एक और सफलता अर्जित की है। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर नक्सली बयानार एलओएस कमांडर जगराम कचलाम ने पुलिस को नक्सली मुठभेड़ में शामिल घटनाओं का सिलसिलेवार जानकारी देकर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कोंडागांव के समक्ष नक्सली कमांडर ने आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें कि आत्मसमर्पित नक्सली बयानार एलओएस कमांडर के पद पर था और उसके ऊपर 5,00,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक कोंडागांव ने बताया कि इसके समर्पण से नक्सली गतिविधियों की जानकारी मिलेगी और बाकी नक्सलियों पर दबाव बनाने में सफलता मिलेगी। आत्मसमर्पण किए माओवादी ने बताया कि वह कई मुठभेड़ों और फायरिंग में शामिल रहा है। इस दरमियान एक मुठभेड़ में उसे दाहिनी जांघ में वर्ष 2012 में गोली लगी थी, जो आज भी अटकी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बद्रू। बद्रू, कहाँ के रहने वाले हो? त्रुसनेटा से। क्या प्रकरण है आपका ये? मतलब आप क्या में काम करते थे? मैं एलजेस में काम करता था। कब से? 2018। अपने बारे में बताइए। मैं पहले 2008 में 5वीं पढ़ रहा था तो मेरे को ले गए थे। उसके बाद मेरे को स्कूल में रख दिए। स्कूल के बाद कुछ दिन बड़ा होने के बाद फिर बंदूक वगैरह दिए। उसके बाद मैं काम करना शुरू कर दिया। क्या काम करते थे? नक्सली गतिविधियों में। क्या क्या करते थे? मतलब उनके साथ घूमना फिरना चलना। अब तक क्या क्या अपराध किए हो? हाँ, अब तक क्या क्या अपराध किए हो? मैं तो कुछ दूसरा अपराध तो नहीं किया। और नक्सलियों के साथ मिलकर क्या क्या काम किए हो? 3 घटना में मैं शामिल रहा। कौन कौन सी घटना? 2012 में कवानार फायरिंग में शामिल रहा। फायरिंग में कुछ लोग को मारे थे? नहीं, किसी को कुछ नहीं, फायरिंग किए थे बस। जी। और 2016 में यहाँ नदी पार करते हुए फायरिंग हुआ। यहाँ कौन सा एरिया? राकेश मेहता। राकेश मेहता जी। अच्छा, और 2016 में यहाँ करलाबाटन फायरिंग हुआ, उसमें शामिल। उसमें शामिल जी। तो अभी आप क्या आत्मसमर्पण किए हो? मैं अभी आत्मसमर्पण करना चाहता। क्यों आत्मसमर्पण किए? क्योंकि अभी ज़्यादा ऑपरेशन भी फोर्स का चल रहा है इधर, उतना माओवादियों का कुछ शक्ति भी कमजोर हो रही है, इसी से मैं। किन लोगों के साथ काम करते थे आपके जो कमांडर थे, उन लोगों का क्या नाम था? हमारा कमांडर लोगों का नाम है रईजू और महेश, इन लोगों से। कौन से एरिया से रहने वाले हो? हम बयानार। बयानार, नारायणपुर जिला। नारायणपुर जिला है हमारा, जिला भी नारायणपुर जिला है, थाना छोटे लोग। कौन कौन है आपके घर में? घर में मेरी माँ है और 2 बहन है, 2 मेरे छोटे भाई हैं। सारे फायदे हैं, एक तो मनोवैज्ञानिक फायदा है कि इनके जो मिडिल लेवल लीडर्स हैं वो नक्सलवाद को छोड़ के आ रहे हैं। दूसरा, इसके थ्रू हम बाकी जो नक्सली ने बताया है 3 से 4 बड़े नक्सली जो कमी नंबर 6 में हैं, वो भी सरेंडर करना चाहते हैं, उनको पत्र भिजवाया जाएगा जिससे कि वो भी आके सरेंडर करें। और तीसरा, जो गाँव में उनके समर्थक हैं उनकी लिस्ट अपडेट की जाएगी, उनको दबिश दी जाएगी और या तो वो सरेंडर करके पुलिस की मदद करेंगे, नहीं तो उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा।